इस गेम का एक ही अल्टीमेट किंग है, किंग। मीडिया से बात करते हुए धूम 4 के बारे में बहुत बड़ा स्टेटमेंट देते हुए दीपिका कहती है कि ये फ्रेंचाइज इंडियन सिनेमा के इतिहास की सबसे बड़ी फ्रेंचाइज है। शाहरुख खान का मुकाबला करने का पावर किसी में नहीं है। धूम 4 सिर्फ और सिर्फ शाहरुख खान के साथ ही बनेगी, क्योंकि वो ही इतने बड़े सुपरस्टार हैं जो कि इस फ्रेंचाइज को 4 चांद लगा सकते हैं। जवान पठान के बाद YRF भी चाहता है कि इस फ्रेंचाइज को आगे ले जाने का जिम्मा शाहरुख खान के कंधों पर डाला जाए, क्योंकि ये एक पैन इंडिया सुपरस्टार हैं। इनको ग्लोबली काफ़ी ज़्यादा ऑडियंस पसंद करती है, और शाहरुख खान जब भी एक्शन अवतार के अंदर आते हैं तो भाई एटलीस्ट 1,000 करोड़ ही कमा जाते हैं। शाहरुख खान ही वो एक्टर हैं जो कि बॉलीवुड को जिंदा करने का पावर रखते हैं। और अब कहा जा रहा है कि धूम 4 की फ्रेंचाइज को लेकर YRF बड़े फैसले करने वाला है। शाहरुख खान के हाथों धूम 4 ही बनेगी और शाहरुख खान ही वो एक्टर होंगे जो कि धूम 4 के अंदर आने वाले हैं। YRF के आदित्य चोपड़ा का कहना है कि शाहरुख खान का मुकाबला करने का पावर किसी में नहीं है। जवान और पठान से जो एक्टर 2,000 करोड़ की कलेक्शन कर सकता है, तो जरा सोचो धूम 4 से कितना बड़ा धमाका होगा, क्योंकि धूम 4 एक पुरानी सीरीज है, लोग इससे काफी ज्यादा कनेक्ट हैं। ऑडियंस भी चाहती है कि शाहरुख खान को ही धूम 4 में लिया जाए। कहा जा रहा है कि ये एक्शन मास मसाला एक बहुत ही शानदार मूवी होगी, जिसको बनाने के लिए 600 से 500 करोड़ रुपए तक का खर्चा भी किया जाएगा। मूवी की शूटिंग ओवरसीज में होने वाली है। डायरेक्टर का अभी तक कोई भी कंफर्मेशन नहीं हुआ है, लेकिन कहा जा रहा है कि इसका जो डायरेक्टर है वो साउथ से उठाया जाने वाला है। मूवी को लेकर ये भी बातें आ रही है कि शाहरुख खान इन दिनों किंग को लेकर काफी ज्यादा बिजी है, लेकिन YRF ने शाहरुख खान के साथ एक कहानी को शेयर किया है, लेकिन उसके ऊपर अभी तक शाहरुख खान ने कोई भी डिसीजन नहीं लिया है। डिसीजन पेंडिंग है, क्योंकि शाहरुख खान अपनी टीम KKR को लेकर काफी ज्यादा मशरूफ थे। अब जो है वो फाइनल खत्म हो चुका है, KKR जीत चुकी है, और कहा जा रहा है कि अब शाहरुख खान अपनी मूवी किंग को और धूम 4 को लेकर काफी ज्यादा सीरियसली अनाउंसमेंट भी करवा सकते हैं। दोस्तों, आप धूम 4 को लेकर कितने ज्यादा एक्साइटेड हो, कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, कमेंट लाजमी करना। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक और शेयर लाजमी करना। शाहरुख खान के डाइट फैन हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि हम और आप हमेशा कनेक्ट रहें और आपके लिए शाहरुख खान की अपकमिंग मूवीज की सारी अपडेट लाते रहें। वीडियो पसंद आई हो तो भाई लाइक लाजमी करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा।